दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बॉल टेम्परिंग में दोषी पाए गए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को पूरे क्रिकेट जगत में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले बॉल टेम्परिंग होने पर आईसीसी ने क्रिकेटरों पर जुर्माना आदि तो लगाया, लेकिन जो उदाहरण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को सजा देकर पेश किया उससे कई खिलाड़ियों में दहशत भर गई है। आपको बता दें कि बॉल टेम्परिंग विवाद में दोषी पाए गए ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बेनक्रॉफ्ट की तरह ही मीडिया के सामने आए और अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और इसके लिए माफी मांगता हूं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का उप कप्तान होने के नाते मैंने जो गलती की उसके लिए मैं अपने तहे दिल से माफी मांगता हूं। वार्नर ने कहा कि मैं सिर्फ क्रिकेट खेलकर अपने देश को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मुझे इस गलती का एहसास रहेगा, मैं हमेशा पछताता रहूंगा। वे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद ही भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। दोस्तों इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे जी न्यूज़ की नई रिपोर्ट। धन्यवाद।